तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे शोरूम में आ चुकी है 2021 की ऑडी RS6 एवेंट। तो दोस्तों ये जो कार है बहुत अच्छी कार है, मतलब इसका जो कलर है, ये जो कार में जो कलर है बहुत सेक्सी कलर है। दोस्तों ये ऑडी कंपनी है, वो जो वॉक्सवैगन ग्रुप के कंपनी में आती है। दोस्तों हम देख सकते हैं इसका आगे से लुक बहुत कूल दिया हुआ, हमने गाड़ी अभी ऑन कर ली। दोस्तों ऑन करने का देख सकते हैं इसकी जो हेडलाइट्स की जो लुक है बहुत काफ़ी सेक्सी लग रहा है। अब देख सकते हैं इसके जो लुक है, ज़्यादा करके आगे का लुक वो हेडलाइट की वजह से बहुत फेमस है, मतलब हेडलाइट की वजह से बहुत अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट, इसमें जो स्ट्रिप्स लगी हुई, इसको उन्होंने स्ट्रिप्स में काटा है, हेडलाइट को बहुत अच्छा काम किया, मतलब इससे लुक आता है गाड़ी में। और देख सकते हैं आप इसकी जो हेडलाइट साइड इंडिकेटर्स, आप देख सकते हैं व्हाट अ लुक मैन, व्हाट अ लुक, इट इज अ स्पोर्ट्स कार। अब हम आपको इसका वॉक अराउंड भी देखें, साथ में इसके रिव्यू भी एक्सप्लेन करके हिंदी में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में देखिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। और इसमें जो बेसिकली कलर लगा हुआ है, ग्रे कलर है, ग्रे पैरल। इसके इंटीरियर्स भी ग्रे कलर में है, आपको अभी मैं आगे जाके बताऊँगा। आप देख सकते हैं इसका ब्लैक व्यू, तो आपको आपके बैक स्पेस के बारे में बताएंगे और बैक व्यू में जो वो बताएंगे। आप देख सकते हैं इसके जो पीछे के हेडलाइट्स, इसमें भी स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से बहुत अच्छा लुक पीछे भी आता है इसका। आप देख सकते हैं ऑडी का सिंबल दिया हुआ है, RS6 पीछे लिखा हुआ है। तो हमने इसको बैक पहले डिक्की ऑन कर देते, तो आप देख सकते हैं डिक्की ऑन करने मतलब गाड़ी को भी ऑन करते हैं तो ऐसे स्ट्रिप्स में लाइट आती है, वो बहुत अच्छा कूल दिखता है इसमें RS6। आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट्स, तो व्हाट ब्लिंक मैन, मतलब इस जो ब्लिंक होती है ना उसका बहुत अलग ही लुक आता है, मतलब बहुत शो आता है, आप बोल सकते हैं बेसिकली इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट, पीछे से आप लुक देखिए बहुत कूल लुक है इसका गाड़ी का। और इसमें से टायर्स लगे हुए 22 इंचेस के होते, सॉरी 22 इंचेस के होते। बेसिकली जो भी कार होती है स्पोर्ट्स कार हो, में लग्जरियस कार होती है, उस पर सब 22 इंचेस के टायर्स लगे हुए थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी। पहले इसको ओपन कर लेते, देखिए ये दबाने से ओपन हो जाएगा अभी। यस ओपन हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर्स बहुत कूल इंटीरियर है, दिस इज अ स्पोर्ट्स कार, इसके लिए इसके इंटीरियर्स बहुत अच्छे भी होता है, और इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर्स, पहले आप ऊपर से एक बार व्यू देख लीजिए, फिर हम अंदर बैठ के आपको इसके इंटीरियर्स भी एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर सनप्रूफ लगा हुआ है, RS स्पोर्ट्स सीट्स लगी हुई है इसमें। आप देख सकते हो वहाँ पर नीचे भी RS लिखा हुआ है, RS6 इधर भी लिखा हुआ है, और उधर सामने भी लिखा हुआ RS, RS सीरीज की एक कार है। तो आप देख लीजिए एक बार इसका इंटीरियर्स बाहर से, फिर आपको अंदर से बताएंगे। अभी पीछे से भी देखते हैं, देख सकते हैं इसमें भी ऑटो लॉक सिस्टम है, थोड़ा सा रुक जाता है अपना अपने आप बंद हो जाता है। पीछे ओपन करते हैं, पीछे का भी आपको एक बार व्यू बता देते हैं। देख लीजिए आप व्यू, बहुत कूल लुक है। और इसमें जो RS6 का ये जो कलर है वो बहुत बहुत अच्छा, और इसमें देख सकते हैं आप ये भी दिया हुआ है सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सन से, सन के रेस से अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब RS। सीट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, पीछे के लिए AC दिया हुआ है पैसेंजर्स के लिए, और इसमें पीछे भी डिस्प्ले दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो कार है दोस्तों, इसकी जो लगभग इंडिया में प्राइस है 1.59 CR, मतलब 1.59 करोड़। और इसका जो माइलेज है, माइलेज आप बोल सकते हैं 10.49 KMPH इसका माइलेज है, और इसका इंजन लगभग 4000 CC का है, 3993 CC का इसका इंजन होता है, और ये पेट्रोल वर्जन में मिलती है। आप देख सकते हो ऑडी का सिंबल यहाँ पर, ये प्राइस में बहुत काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स कार आपको मिलती है, 1.59 CR एक्स शोरूम प्राइस इन मुंबई। तो चलिए एक बार आपको अभी अंदर लेके जाते हैं, आपको अंदर से इसके इंटीरियर से बताते हैं। आप देख सकते हैं बेसिकली आप पीछे से एक बार आपको व्यू दिखा रहे हैं हम, 4K वॉक अराउंड आप बोल सकते हैं बेसिकली।
आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे फीचर्स यहाँ पर भी दिए हुए इसका ही म्यूजिक सिस्टम मतलब स्पीकर। तो हम अभी अंदर आ गए, आपको अंदर से इंटीरियर एक्सप्लेन करेंगे। मैं दरवाजा बंद कर लेते हैं और कार को कर लेते हैं ऑन, स्टार्ट कर लिया हमने। आप देख सकते हैं जो स्टीयरिंग है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। पहले आपको इसका एग्जॉस्ट भी सुना लेते हैं, एग्जॉस्ट डाल दिया अभी कार को। कार में से धुआं आने लगे डायनेमिक मोड पे। तो चलिए अभी अंदर से कि आपको इंटीरियर्स बता देते। हमने कार को ऑन कर लिया, बेसिकली इसको हम पहले एसी सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, इसकी डिस्प्ले डबल डिस्प्ले इसमें दिया हुआ है, बहुत कूल। इसके इंटीरियर्स भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, कोई पूरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इस पर जो डिस्प्ले नॉर्मली सब गाड़ी में डिस्प्ले होते हैं वैसे ही होता है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग फीचर्स ये हुए हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उस पर लाइट आ रही है। पहले हम इसको बंद करते थे ऊपर से लाइट। हाँ ये देखिए, हाँ ब्राइटनेस कलर, पहले ब्राइटनेस हमने बढ़ा दी कि आपको दिखे, क्योंकि वो लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा था। उस पर कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंडर की स्ट्रिप्स लाइट BMW में जैसे लगी हुई थी, ऑडी में भी होती है, नहीं अंदर नहीं होती, नीचे के साइड में और साइड साइड में थोड़ी सी लगी हुई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि BMW की जैसे पूरी नहीं लगी हुई थी इसमें। आप देख सकते हैं इसमें वर्ल्ड मैप पहले से इंस्टॉल्ड है, फुल नेविगेशन। आप देख सकते आने से आगे का फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है, ये बैक कैमरा, जहाँ पर आपको देखना है जो कैमरा देखना है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल 360 व्यू। ये फ्रंट है, ये आप देख सकते हैं मूव कर रहा है फ्रंट कैमरा फर्स्ट स्ट्रेट लेन में, दिस इज स्ट्रेट लेन, आजू बाजू से बैक साइड से फुल 360 व्यू आप देख सकते हैं इसमें। ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, एसी विंड्स का कहाँ पे फ्लो होनी चाहिए, जैसे आपको आपके साइड के एसी बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं। इसमें आपको सीट आगे पीछे करनी है वो भी कर सकते हैं नीचे वाले डिस्प्ले से। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, पार्किंग मोड पे अभी कार न्यूट्रल, तब हटा दी पार्किंग अब न्यूट्रल। यहाँ पर स्पेस दिया हुआ काफ़ी अच्छा रखने को कुछ भी चीज़ है। और आप देख सकते हैं इसकी स्टीयरिंग बहुत स्मूथ, जैसे कि बेसिकली सबके होते। आप स्टीयरिंग पे लगे हुए बटन से आप उस सामने वाली स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। इसमें भी नेविगेशन फुल वर्ल्ड मैप इंस्टॉल्ड है, मतलब इसमें साइड वाले जो इसमें फीचर्स होते हैं वो इसमें भी होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मोड सेलेक्ट करने के ऑप्शन भी है। इसमें बताता है आपका पेट्रोल कभी ख़त्म होने वाला, कितना किलोमीटर और चलने वाली कार, पावर स्टीयरिंग के साथ। हमने कार अभी ऑफ कर लिया, अभी आपको बाहर लेके चलते हैं। इसका इंजन की इंफॉर्मेशन बता दें आपको। तो हम बाहर आ गए बेसिकली, इसका पीछे की डिक्की ओपन कर लेते हैं। बैक स्पेस आपको बताया नहीं हमने, बैक स्पेस बता देते। स्मॉल एसी भी आप बोल सकते हैं इसको,
पीछे आराम से 4 से 5 बैग आ सकते हैं, बड़े बड़े टूरिंग बैग, बहुत काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है पीछे। और ये पीछे की सीट्स आपको मूव करनी है उसके लिए भी इधर दिया हुआ है, और ऊपर शेड भी दिया हुआ है, आप इसको बंद भी कर सकते शेड को, आपको बड़ा सामान रखना है तो। और इसको बंद करने के लिए वन प्लस से डिक्की अपना बंद हो जाएगी। और पीछे की जो स्ट्रिप लाइट्स ब्लिंक करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्ट्रिप लाइट्स क्या बोल रहे हैं, पीछे के हेडलाइट्स है वो जो ब्लिंक करते हैं उस पर बहुत काफ़ी अच्छा लुक आता है दोस्तों। देखिए कार बहुत कूल लग रही है आगे से भी, आप इंजन खोल दें, इंजन के अंदर से आपको बताएंगे कितना इंजन किस सीसी का इंजन, 590 हॉर्स पावर का टॉर्क होता है इसमें, सॉरी 591 हॉर्स पावर होता है और 590 का टॉर्क इसमें ये बन चालू ये होते हैं टॉर्क होता है। आप देख सकते हैं इसका जो ऑडी का सिंबल भी ग्रे कलर में दिया हुआ है, ब्लैक कलर में, जैसे बेसिकली वाइट कलर इसमें होता तो बहुत मज़ा आता। आप देख सकते हैं इसमें लाइट्स लगी हुई स्ट्रिप के फॉर्म में। इंजन पे भी ऑडी का सिंबल दिया हुआ है ग्रे सिल्वर कलर में, RS सीरीज इधर भी लिखा हुआ है, फुली प्रोटेक्टेड इसमें सब होता है इंजन में। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप लाइट जो स्टार्ट होने के बहुत ऑसम लुक आता है, बाहर में आपको बता रहा हूँ, इसको बंद कर देते हैं अभी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बाजू में देखिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ओके बाय, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।